हेलो गाइज, इस वीडियो में हम उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ASO का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है रिगार्डिंग द सेक्शनल कट ऑफ, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड देन के रिजल्ट की क्या अपडेट है ASO UPSC इन उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसके बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये ASO का जो पेपर है ग्रुप बी की पोस्ट है और 796 वैकेंसी हैं इसकी। रिजल्ट अभी अपडेटेड है, अभी अवेटेड है सॉरी। और जो एग्ज़ाम डेट थी इसकी 27 अगस्त 2022 थी। काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम डेट को, तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट आने वाला है इसका बहुत जल्दी। तो अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। कट ऑफ जो है 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है अवेलेबल देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि UR के अंदर जनरल में 447 हैं, SC BC में फीमेल में 149 हैं, SC BC में जो मेल की है वो 62 हैं और फीमेल की हैं 21। SC कैटेगरी में जो टोटल सीट हैं वो 109 हैं और फीमेल की हैं 36। इसी प्रकार से ST कैटेगरी में जो टोटल सीट हैं 178 हैं और फीमेल की से 59। इसी प्रकार से जो टोटल सीट बनती है वो 796 बनती है और फीमेल की बन जाती है 265। तो ये गाइज मेरी तरफ से क्या कमीशन की ओर से ये इस तरीके से वैकेंसी का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, आप देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अगली चीज़ जो है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में हम देखेंगे। जो GH का है और उड़िया का है ये मॉडरेट टू टफ आया था, ये ध्यान रख लेना है मॉडरेट टू टफ आया था, क्योंकि बहुत सारे जब क्वेश्चन थे जो उड़ीसा के थे और GS के थे वो बहुत ही फैक्चुअल आए थे और इतने फैक्चुअल थे कि कई बार हमें ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कन्फ्यूजन हो रहा था एस्पिरेंट को। तो ये भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। और बहुत सारे इफेक्ट बहुत ही डेप्थ में पूछे थे, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और करंट अफेयर जो थे इतने आसान नहीं लग रहे थे जितने आसान हर बार दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे थे। तो अब बात करेंगे हम इंग्लिश की और मैथ की। ये इंग्लिश और मैथ थोड़ा इजी आया था और रीजनिंग की हम बात करेंगे। रीजनिंग जो है वो मॉडरेट लेवल का आया था कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे रीजनिंग के अंदर। और सबसे अच्छी बात रीजनिंग में, सबसे जो प्रॉब्लम की बात थी रीजनिंग के अंदर वो ये थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान क्वेश्चन है बट बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे हमारे। तो ये पेपर का पैटर्न हो गया मेरी तरफ से। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या है कट ऑफ का, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2019 ASO की। UR की जो बनती है 225 बनती है, SC BC मेल में 216 बनती है, SC कैटेगरी में 183 और ST कैटेगरी के अंदर 160 है। अब हम फीमेल की देख लेते हैं। UR की 209 है, SC BC की फीमेल की 196 है और SC कैटेगरी की फीमेल की 171 है और इसी प्रकार से ST की जो फीमेल की वो 161 है। तो ये कट ऑफ हो गई गाइज। अब मैं इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी। ये बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं। कुछ रिवाइज भी किया है मैंने जितना मैंने पुराने वीडियो में बनाया था। तो जो जनरल की फीमेल की मेल की कट ऑफ है वो 215 से 220 के आसपास कर जा सकती है। SC BC मेल की जो कट ऑफ है 210 से लेकर 215 के बीच में जा सकती है। SC मेल की कट ऑफ 170 से 180 के बीच में जा सकती है। ST फीमेल की ST मेल की जो कट ऑफ है 155 से 160 के बीच में जा सकती है गाइस। अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं। 205 में जा सकती है UR की, ध्यान रखना UR की। अब हम बात कर लेते हैं SC BC फीमेल की, इसमें 190 से 195 के आसपास जा सकती है। SC कैटेगरी की जो फीमेल की जो कट ऑफ 165 से लेकर 168 के बीच में जा सकती है।
ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसी प्रकार से जो एसटी कैटेगरी की जो फीमेल की जो कट ऑफ है वो 155 से 160 के बीच में जा सकती है। ये गाइज मेरी तरफ से कट ऑफ के बारे में एक एनालिसिस हो गया। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की, तो एक बात ध्यान रख लेना कि कई सारे एस्पिरेंट इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। तो जो कमीशन है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रिलीज करने वाला है, तो इससे बिल्कुल गलत है ये चीज़, ध्यान रख लेना इस बात को। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं आएगी। अब हम रिजल्ट के अपडेट के बारे में बात करेंगे। जो रिजल्ट है एएसओ का, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 का, ये ऐसी उम्मीद है कि 2-3 दिन में आने वाला है आपका। 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आने वाला है गाइज। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इनिशिएटिव था, एक वीडियो था आपके लिए। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंक्लूसिव स्टडी सेंटर मेरे चैनल का नाम है। धन्यवाद गाइज।